सुप्रभातम दर्शकों, मैं पंडित केशव शास्त्री राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज दिनांक 14 मई 2016 है। आज तिथि अष्टमी है, जो प्रातः 11:05 तक रहेगी। तत्पश्चात नवमी तिथि का उदय होगा। आज वार शनिवार है, मघा नक्षत्र है एवं चंद्रमा सिंह राशि में एवं सूर्य मेष राशि में विराजेंगे। आज का राहुकाल प्रातः 9:05 से प्रातः 10:44 तक, यमगंड काल दोपहर के 2:02 से दोपहर के 3:41 तक। इसी प्रकार शुभ समय की यदि बात करें तो लाभ का चौघड़िया दोपहर के 2:52 से दोपहर के 3:41 तक एवं अमृत का चौघड़िया दोपहर के 3:41 से सायंकाल में 5:30 तक रहेगा। दर्शकों, आज का सूर्यास्त सायंकाल में 6:59 पर होगा। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेषादि द्वादश राशियों का चिंतन करते हैं। मेष राशि के जातकों, आज आप सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इसके साथ ही आज धन लाभ का भी योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। आज आप बौद्धिक चर्चा में हिस्सा भी लेंगे, परंतु एक बात ध्यान रखनी है, वाणी पर संयम रखना अत्यावश्यक है। आज का आपका शुभांक है 5 एवं शुभ रंग है नारंगी। आइए उपाय जान लेते हैं कार्य की अनुकूलता की सिद्धि के लिए आपको क्या करना है। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, इस बीज मंत्र से आपको 27 बार उच्चारण करना है। और इसी के साथ आज अपने माँ और पिता का आशीर्वाद लेके घर से प्रस्थान करना है। वृषभ राशि वालों, आपका आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा। आज आप अपने मन को हल्का पाएंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे एवं आपके कार्य निर्धारित रूप से योजना के अनुसार पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आज आर्थिक लाभ की भी संभावनाएं बन रही है। आज अधूरे कार्य भी पूर्ण होने की संभावनाएं है। आज का शुभांक है 9 एवं शुभ रंग है सफेद। वृषभ राशि के जात को उपाय जान लीजिए, आपको उपाय क्या करना है। कार्य की अनुकूलता की सिद्धि के लिए आज आपको भगवान महादेव के मंदिर में जाना है और उन्हें जलाभिषेक करना है। मिथुन राशि के जात को आपको जीवन साथी और संतान के आरोग्य के लिए विशेष ध्यान रखने की राय दी जाती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या बौद्धिक चर्चा से दूर रहिएगा। अपमान ना हो, अपयश ना हो, इसका ध्यान रखना है। आज आप प्रवास ना करें तो ही ठीक है। आज का शुभांक है 4 एवं शुभ रंग है सिंदूरी। आज का दिन अच्छा कैसे हो, इसके लिए उपाय जान लीजिए। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ये वाणी का मंत्र है, इसका 27 बार जप करना है। और जप करके घर से विदा होने पर ओम प्रभिष्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, इस रामायण की चौपाई को पढ़ के घर से प्रस्थान करना है। कर्क राशि, ग्लानी से आज आपका मन व्यथित रहेगा, ऐसे संकेत आ रहे हैं। स्फूर्ति और आनंद का आज अभाव दिखाई देगा। परिजनों के साथ आज तकरार होने की संभावनाएं भी बन रही है। धन का खर्च भी होगा और अपयश भी आज मिल सकता है, अपकीर्ति भी मिल सकती है। अतः वाणी पे आज आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। आज का शुभांक है 2 और शुभ रंग है मटिया। कर्क राशि की जातकों, आपको आज क्या करना है। आज आपको ओम श्री कुलपित्रेश्वराय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करके घर से प्रस्थान करना है एवं आज रास्ते में किसी भूखे को भरपेट भोजन कराइएगा।
सिंह राशि के जातकों, माता रानी की कृपा से आज का दिन सुख और शांति पूर्वक बीतेगा। अपने सहोदर के साथ अर्थात अपने सगे भाई और सगी बहनों के साथ संबंधों में निकटता का अनुभव आज आप कर पाएंगे। आज आपको उनका सहकार्य भी मिलेगा, अर्थात आज आपको उनका सहयोग मिलेगा। संबंधों में भावना की गहराई को आज आप समझ पाएंगे। कुल मिला के आज का दिन और आज का भाग्य आपके साथ है। आज का शुभांक है 3 और शुभ रंग है श्वेत। कन्या राशि वालों, परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। वाक माधुर्य से आप अपना निर्धारित कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब है अपनी बोली की चतुराई से, बोली की मिठाई से आप अपना काम निकाल सकते हैं। बौद्धिक चर्चा में ना उतरें, क्योंकि इससे आज आपका मन दुखी होगा। भोजन में आज मिठाई आदि मिल सकती है, मीठा खाने को मिल सकता है। प्रवास की भी आज संभावना बन सकती है। आज का शुभांक है 5 और शुभ रंग है सुनहरा। अपने कार्य की अनुकूलता की सिद्धि के लिए आज आपको हल्दी की 4 गांठों को लाल कपड़े में बांध के बहते हुए पानी में बहाना है। तुला राशि वालों, आप व्यवस्थित रूप से आर्थिक योजना बना सकेंगे। आज कोई सृजनात्मक प्रवृत्ति भी हो सकती है। किसी कला से संबंधित आज चीज का निर्माण कर पाएंगे आप। आपकी सृजनात्मक शक्ति आज श्रेष्ठ रहेगी, पुष्ट रहेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप स्वस्थता का अनुभव करेंगे। आज का शुभांक है 3 और शुभ रंग है हरा। तुला राशि वालों, आज आपको कार्य की अनुकूलता की सिद्धि के लिए ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र के इस बीज मंत्र को 27 बार जपना है और इसी के साथ आज किसी को चावल का दान करना है। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको दुर्घटना से बचने के लिए शल्य चिकित्सा न करवाने के लिए और तकरार में न उतरने की सलाह दी जाती है। बातचीत में किसी के साथ भ्रांति न हो, वहम न हो, इसका ध्यान रखें। यदि कोई ऐसी बात हो तो उसे स्पष्ट कर लें। शारीरिक कष्ट और चिंता से आज आप अपने आप को परेशान पाएंगे। आज का शुभांक है 9 और शुभ रंग है लाल। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको क्या करना है उपाय जान लीजिए। कार्य की अनुकूलता की सिद्धि के लिए ओम धन्वंतरी देवाय नमः धन्वंतरी देव के इस बीज मंत्र को 27 बार जापना है, 27 बार जप करना है और इसी के साथ आज किसी असहाय को, किसी गरीब को दवाइयों का दान करें। धनुराशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभकारी होने का संकेत है। गृहस्थ जीवन का संपूर्ण आनंद आप आज ले पाएंगे। मित्रों के साथ सुंदर स्थल पर प्रवास करने का आयोजन बन रहा है। इसी के साथ आज आपके आय के वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज का शुभांक है 5 और शुभ रंग है काला। धनु राशि वालों, आज आपको कार्य की अनुकूलता की सिद्धि के लिए ओम वम वरुणाय नमः भगवान वरुण के इस बीज मंत्र को 27 बार जपना है, 27 बार इस मंत्र का जाप करना है और इसी के साथ आज आपको किसी को गंगा जल का दान करना है। मकर राशि वालों, आज आपको व्यापार से संबंधित कार्यों में अच्छे लाभ होने की संभावनाएं आ रही है। यदि आप प्रवास करते हैं, यदि आप यात्राएं करते हैं तो प्रवास और आय से संबंधित आपके लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। सरकार तथा मित्रों संबंधियों से आज आपको लाभ मिलेगा। उनसे भेंट मिल सकती है, उनसे उपहार मिल सकते हैं और इन सब से आपका दिन बड़ा आनंदित होगा। आज का शुभांक है 1 और शुभ रंग है नीला। मकर राशि वालों, कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की अनुकूलता की सिद्धि के लिए आज आपको किसी गरीब बच्चे को वस्त्रों का दान करना है और अपने पास के देवालय में जाके स्वच्छता का कार्य करना है। कुंभ राशि वालों,
आपका आज का दिन मिश्र फलदायी है, मिला जुला फल देगा। शारीरिक रूप से आपको अस्वस्थता का अनुभव होगा, फिर भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, पुष्ट रहेंगे। आनंद और प्रमोद के पीछे धन का खर्च होगा, अपने भोग विलास के लिए धन का खर्च करेंगे। आज का शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है काला। कुंभ राशि वालों उपाय जान लीजिए। कार्य की अनुकूलता की सिद्धि के लिए आज आपको ओम श्रीम श्रीयै नमः श्री महालक्ष्मी का ये बीज मंत्र है, इसको 27 बार जपना है, 27 बार इसका जाप करना है और इसी के साथ आज किसी कन्या को वस्त्र दान करने हैं। मीन राशि वालों आइए जानते हैं आज आपकी राशि आपके बारे में क्या कहती है। आपको आज का दिन ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में बिताने की राय देते हैं। आज के दिन आपको थोड़ी बहुत प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के विषय में आज आपको विशेष ध्यान देना है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज का शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है पीला। उपाय जान लीजिए दर्शकों, आज आपको किसी गरीब मरीज को औषधियों का दान करना है। तो दर्शकों सभी मंगल कामनाओं के साथ मैं पंडित केशव शास्त्री अभी आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हरिओम।